अरे वाह, एक कसाई ने बड़ी फुर्ती से उसकी दुम से एक रस्सी ये देखे, अब सिर्फ दो रस्सियां बाकी रह गई हैं, चार टोटल रस्सियां थी। ये संडा सांड आपको बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। इसकी आंखें आप देख सकते हैं किस तरह लाल हो चुकी हैं। भाई भी लोगे ना जी, देख खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, नहीं होता नहीं होता। अब एक सही ये आए हैं, चार लोग जिसे कहते हैं कि सर पे कफन बांध गए। अब देखते हैं क्या होता है। आप सबसे गुजारिश है चैनल को साथ सब्सक्राइब लाजमी कर दिया जाए। जो कोई भी उसके पास आने की कोशिश करता है बस उसकी शामत आ जाती है। अब वो देखें, आप रस्सी नीचे से गुजार कर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी उसने छुड़वा ली है। कोई भी कोशिश और तदबीर काम नहीं आ रही। ठीक है, ये दूसरे किसाई ने पकड़ा है, वो देखे, लेकिन वो किसी की पकड़ में आने को लिए तैयार नहीं है एकदम भी। नीचे से उसने जगह इतनी ज़्यादा स्लिपरी कर ली है, ये आप देख सकते हैं नीचे चिकड़ कितना है, और वो रस्सी तड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो देखे, आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बस इस दफ़ा आपने 100K लाइक लाजमी करने हैं, 100K लाइक्स, 100K लाइक्स। ये देखे, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है किस तरह से रस्सी तड़वा लूँ, लेकिन अब ये उसके बस की। ये देखे, एक और कसाई लड़के जाने को तैयार है, और लेकिन उन्होंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए कि कसाई अब वापस नहीं जाएगा। ये एक मौत का मैदान बन चुका है, जैसे कहते हैं कि मौत का खेल, यहाँ पे जान बचाना बहुत ही मुश्किल है। तमाशा गिर वो आ गया, बिल्कुल भी पार्क के अंदर ना आए, पार्क के सारे दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा तमाशा गिर जमा हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं व्यूवर्स, बस आपने 100K लाइक्स लाजमी करने हैं इस वीडियो में। पिछली दफ़ा आपने 80K सिर्फ किए थे, 20K की वजह से हमारा टारगेट चीप नहीं हो पाया। हर साल हम आपके लिए अपनी चांद पे खेल के वीडियो बनाते हैं, तो काइंडली लाइक लाजमी किया जाए। ये एक और कसाई हिम्मत हार कर वापस जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कैमरा में। ये 21वां कसाई जो कि वापस गया है, देखते हैं कि आज ये आज ज़िबा हो पाएगा या फिर इसे कल तक छोड़ दिया जाए। इसके लिए वाकई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहादुर कसाई की ज़रूरत है। नीचे चिकड़ होने की वजह से मेन वजह है, दलदल टाइप बन चुकी है और कोई भी कसाई पास आ नहीं पाता, मेनली वजह ये बन चुकी है। आखिरी वीडियो ये बहुत एक मतलब अच्छा एकदम किया, एक दफ़ा ऊपर से रस्सी डल गई है, उम्मीद बन रही है चले कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि 21 कसाई जो कि बहुत महंगे कसाई भी, मतलब प्रोफेशनल कसाई जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो भी नहीं कर पाए इसे। लेकिन सर व्यूवर्स, आपके लिए सिर्फ जान पर खेल के मैं होम ग्राउंड में उतर चुका हूँ, बाकी सारी देखे हुए हज़ारों की तादाद में लोग मैच देखने के लिए आए हुए हैं, इतने में शायद स्टेडियम में रश ना होता हो। उम्मीद बन रही है, क्योंकि जानवर सुबह 5 बजे से कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब इस तरह ही 2-4 है मुश्किल में। अब वो थक भी तो गया है सर, अब कितना वो रजिस्ट करे, आखिर आज किसी के काबू में तो आएगा। बुल इस वक्त फुल गुस्से में है, उसको समझ नहीं आ रही, बस उसका बस चले, वो सारी रस्सियाँ तोड़े और जितने भी लोग अगर सबका खतरनाक कर, तो बस जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो भी समझो मर मुर गए, बचत के कोई चांस रह नहीं जाने। फिर व्यूवर देख लें, आपके लिए हम क्या कुछ नहीं करते। अब आप 100K लाइक्स लाजमी की हो गए, एक रस्सी तो गई।
ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਸੈੱਟ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਨੇ ਕਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ ਜਬਕਿ ਬੈਲ ਕੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੀ ਪਾਸ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਭੀ ਯੇ ਇਸ ਕਿਸਾਈ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਸਕੋ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ 1 ਲੱਖ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੈਲ ਤੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਵਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾ ਮੈਂ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਗਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੇ ਫਸ ਗਿਆ ਥਾ ਉਸਕਾ ਪੇਟ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮੇ ਪਕੜਨੇ ਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਉਸਕੇ ਹਾਥ ਪਾਉਂ ਬਸ ਹਾਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਉਸਕੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਉਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਬਾਂਧ ਲੀਏ ਥੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਨੀਚੇ ਸੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬਾਂਧੀ ਹੈ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਕਿਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਤਾ ਹੈ वो देख क्या छींटे उड़ाता हुआ जा रहा है ये तो क्या उसे कहते हैं ज़मीनी जहाज़ बन चुका है इसके नज़दीक जो भी है कि रॉकेट लॉन्चर बन चुका है ये अब किसी को नहीं छोड़ेंगे जारी बात है जिसको अपनी आंखों के सामने मौत नज़र आए वो आखिरी हद तक अपनी जान की बाजी लड़ेगा और ये अपनी जान की बाजी लड़ रहा है ये व्यूवर की ये बहस तो चलती रहेगी मैं आपको इंशाल्लाह आपको साथ साथ लाइव अपडेट देता रहूँगा ये देखिए मैं आपको सिनेमैटिक व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ ये बाकी मैं आपको बैठ के वीडियो शूट करना चाह रहा हूँ ताकि मैं थकूँ भी ना रिलैक्स मॉल में वीडियो बन पाए लेकिन अगर ये बैल छूट के आ गया व्यूअर्स मैं आपको पहले बता रहा हूँ सबसे पहले कलमा मेरे ही पढ़ होना है संगली तोड़ ली है उसने संगली भाई व्यूअर्स मुझे तो एक दफा लगा जैसे संगली वाकई में टूट चुकी है एक दो रस्ते देखे आवाम का जोश देखे एक दफा तो मुझे भी अपनी जान के लाले पड़ गए और मैं भागना शुरू कर दिया और मैं अपने सारे कपड़े गंदे कर चुका हूँ आवाम का जो जज्बा देखे आप व्यूअर्स ये देखे अब सिर्फ 2 रस्सियाँ बाकी रह गई हैं 4 टोटल रस्सियाँ थी ये किसी भी वक्त टूट सकती हैं हमें अपना बैकअप प्लान रखना चाहिए ये अब किसी भी वक्त छापे से बाहर हो सकता है अपनी जान की हिफाजत हमने खुद करनी है बाद में व्यूवर्स है किसी ने नहीं आके कहना भाई हम आपकी टांग कटवा देते हैं आप देख सकते हैं 4 रस्सियां बंधी हुई थी और 1 संगली जिसमें से 1 संगली टूट चुकी है और 2 रस्सियां अब कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त बाकी 2 रस्सियां टूट सकती हैं और रस्सा टूट चुका है और लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी जान बचाते हुए यहाँ से निकले और इसी में अपनी आपके समय नहीं चाहिए बाकी वीडियो हमें बाहर निकल के सेफ जोन में बनानी चाहिए व्यूवर्स आप देख सकते हैं अभी किसी भी टाइम ये छूट सकता है ये किसी भी टाइम ये देख रहे हैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा है सिर्फ 2 रस्सियां बाकी रह गई हैं आप लोग कह रहे हैं शायद 1 रस्सी नहीं अभी भी 2 रस्सियां हैं लोगों को पार्क से बाहर निकाला जा रहा है कि अपनी जान की जिम्मेदारी खुद लेते हुए यहाँ खड़े हो पता यहाँ से फौरी तौर पे एग्जिट कर दें बहुत जानी खतरा है क्योंकि अगर ये छूट गया तो यहाँ मौजूद जितने लोग हैं उनमें से आधे तो ये साथ ले ही जाएगा व्यूअर्स देख लें अपनी जान पर खेल के हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं इसके लिए कम अज़ कम आपको 100K लाइक्स करने चाहिए और व्यूज़ भी करें शेयर भी करें ये देखें किस कदर गुस्से में किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा
और किस कदर बेवकूफ़ किस्म के कसाई हैं ये, आधे घंटे की मेहनत के बाद जीरो रिजल्ट पे हैं, एक भी रस्सी इनसे अभी तक नहीं बांधी गई, जितनी भी रस्सियाँ बांधी हैं सब बेकार हैं। मुझे किसी और पे नहीं बल्कि सीधा बैल पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त भागना पड़ सकता है।